खबर भोपाल से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्रालय में आपात बैठक कर घटना की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरदा के आसपास के क्षेत्र में एम्बुलेंस हरदा पहुंचाई जा रही है, इसके साथ ही हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था के लिए सेना से संपर्क किया गया है। भोपाल इंदौर में मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल में वर्न यूनिट को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। होशंगाबाद में भी अस्पतालों में घायलों के उपचार के लिए व्यवस्था की गई है। बैठक में बताया गया है कि हरदा में होशंगाबाद सहित आसपास के क्षेत्र में 14 डॉक्टर तत्काल रवाना किए गए हैं। हरदा में 20 एम्बुलेंस मौजूद हैं तथा 50 एम्बुलेंस और पहुंच रही हैं। भोपाल इंदौर बैतूल होशंगाबाद भैरुंदा रहटी सहित अन्य नगरीय निकायों तथा संस्थाओं में फायर ब्रिगेड हरदा भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, एसीएस श्री अजीत केसरी, डीजी होमगार्ड को तत्काल हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के लिए निर्देशित किया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को भी भेजा जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे, प्रमुख सचिव नगर प्रशासन एवं विकास नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राघवेंद्र सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज मध्य प्रदेश में हरदा के अंदर एक दुखद घटना हुई है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और कुछ भाई और बहनों की मृत्यु भी इस घटना में हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सब लोग उनके साथ में इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सक्रियता के साथ और संवेदनशीलता के साथ एनडीआरएफ की टीम से लेकर के वर्न यूनिट, एम्स, बाकी सारे हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्थाएं तत्काल प्रभावी की जा सकती हैं, सरकार ने उन सारी व्यवस्थाओं को किया है। आपात बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। एसीएस होम, हमारे मंत्री और कई प्रमुख लोगों को टीम वहाँ तत्काल पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से भी हमारे संभाग के प्रभारी और पदाधिकारियों को भी तत्काल उस काम में वहाँ लगाया है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में लगा है कि हर प्रकार से कैसे ही उस घटना को जो हुई है उस पर जो आगजनी जिस प्रकार से वहाँ पर बड़े पैमाने पर आग फैली उसको रोकने का प्रयास प्रशासन ने गंभीरता से किया है। डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, एम्बुलेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ यहाँ से भी गई हैं और नर्मदापुर, बैतूल, इंदौर, इधर से भी सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पर की हैं। चीफ सेक्रेटरी से लेकर के बाकी सारे लोग उस घटना को लेकर के मुस्तैदी के साथ तैयारी में जुट गए, लेकिन घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है कि जिसके कारण से अभी मैंने कलेक्टर से भी बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, मुख्यमंत्री जी तो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो अभी जो जानकारी में कि 6 लोग की दुखद मृत्यु हुई है और 50 के करीब लोग जो घायल हुए हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, 59 के लगभग जो लोग हैं, तो सभी परिवारों के प्रति संवेदना के साथ पूरा प्रशासन और शासन बचाव कार्य में गंभीरता के साथ जुटा है। हाँ, घायल वगैरह सारे घायलों के बारे में भी पूरा तैयारी भी हो रही है, उनको जो सुविधाएं मिल सकती है, प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। लेकिन घटना दुर्भाग्यजनक है क्योंकि अचानक इस प्रकार से आग लगी और उसके कारण से वहाँ फैक्ट्री में जो लोग थे और आसपास भी जो फैक्ट्री के मजदूर भाई बहन जो कुछ रहने लगे तो वो भी इसके कारण से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन और शासन माननीय मुख्यमंत्री की गंभीरता के साथ उस काम में लग सकते हैं। सर, कहानी सर, शहर में थी, नहीं, मैंने कहा ना कि अभी तो सबसे पहला काम है जो विस्फोटक के कारण से परिस्थिति बनी उस पर कंट्रोल किया जाए, उसके कारण से जो आग फैली उसको कंट्रोल किया जाए, जिसमें सफलता सारे प्रशासन तंत्र की तैयारी के साथ उसमें हुई है। जो हमारे बंधु हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, ऐसे सभी बंधुओं को सरकार उचित प्रावधान, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनको साथ की सहायता वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ
गंभीरता से उस पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एक सेकंड बिना देरी के सबसे पहला काम उस पर काबू पाना और अपने लोगों की जान बचाना। बाद में फैक्ट्री कानूनन अवैध जो भी होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत कठोर निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा हुआ होगा तो कोई भी इसमें जिम्मेदार होगा वो नहीं बचेगा। सर, जयवर्धन सिंह जी का खबर भारतवर्ष के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।